कि आज की शाम और अलका शरर के नाम तो थी ही, लेकिन आज के मुशायरे की सदारत की जिम्मेदारी सबीहा खुर्शीद के हवाले थी, तो मैं सबसे ज्यादा इस वक्त डाइस पर उन्हीं को मुबारक इसलिए भी दूंगा मुबारकबाद कि आज के मुशायरे में इतने सब्र तहम्मुल से काम ली है, और जबकि सदारत होने के बावजूद वो चाहती तो बीच में पढ़ भी सकती थी, सदर का ये हुक्म होता है, लेकिन उस पायदान पर उस मरहले पर उनका मकाम नहीं था, इसलिए उनको सदारत के लिए चुना गया। शायद आज के मुशायरे में अल्लाह ने इसीलिए बचाए रखा था उनको। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फैसला जब कभी आसमानी हुआ, फैसला जब कभी आसमानी हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। आइए, मैं इस वक्त सबीहा खुर्शीद के हुजूर पहुंच रहा हूं और इन मिसरों से उनका इस्तकबाल करना चाहता था कि जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है। अब दुआ दे देना, मेरी माँ समान है आप, अब दुआ दे देना अपने बेटे को कि जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है। इस्तकबाल करें दोस्तों पूरा मजमा मिलकर, महफिल मुशायरा अपने शबाब से हमकिनार होना चाहती है भिवंडी वालों। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का जो आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतनी इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि हकदार हैं जनाब तकवीन साहब, जनाब मुअज्जम साहब, चुन्नू भाई और आजम खान, और लड्डन भाई के तो मेरे बहुत पुराने, लड्डन सैलानी बाबा, उनसे तो मेरा बहुत पुराना रब्ता रहा, 30 साल पुराना है ना। तो ये सारे मुझे बहुत अजीज है, मेरे शहर के लोग, और इतनी खूबसूरत महफिल उन्होंने मुनक्किद की, इतना अच्छा मजमा, इतने अच्छे सामईन। मैं कई मुशायरों में गई हूँ और आज जब ये शायरात का मुशायरा था तो मेरा दिल बहुत डर रहा था कि इतनी सारी शायरात मेरे शहर में आएंगी, उनका कैसे इस्तकबाल होगा, उनको कैसे सुना जाएगा, कहीं उनकी शान में कोई बेहुमती कोई गुस्ताखी तो नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हक बहकदार रसीद उसके मुताबिक आपने सबके साथ इंसाफ किया, जो जितना काबिल था आपने उसको उससे ज्यादा नवाजा, माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब रही। मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद दूंगी शरीफ भाई को, हालांकि मुझे उससे इतनी अच्छी तवक्को नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा मुशायरा आपने मुनक्किद किया। शरीफ भाई मैं आपके दिल से एकदम एतराफ करती हूँ आपका, और ये एतराफ बहरहाल एकदम सच है कि अहले भी मड़ी मुबारकबाद है। और चूंकि काफी वक्त हो गया तो मुझे बड़ा ये डर भी लग रहा था कि मुझे भी कोई सुनेगा या नहीं, तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि काफी लोग मौजूद हैं और मैं आप सबसे आपके शहर की हूँ, तिफले मकतब हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आपकी दुआएं मुझे भी मिलें। तो शुरुआत करती हूँ अपने कुछ अशार से के, और ये अशार आप लोगों के नाम है। आंखों का बेनाम समंदर तेरे नाम, और सुहानी शाम का मंजर तेरे नाम। वाह वाह। आंखों का बेनाम समंदर तेरे नाम, और सुहानी शाम का मंजर तेरे नाम। आंखों का बेनाम समंदर तेरे नाम, और सुहानी शाम का मंजर तेरे नाम। और हर एक खुशबू मैं तुझसे मंसूब करूं, कर दूं सारे मुश्कों पर तेरे नाम। वाह वाह। अख्तर हुसैन मन्नू साहब भी आज यहाँ पर हमें कॉपरेट कर रहे हैं इस मुशायरे में। जी, उनका भी शुक्रिया है ना। और चूंकि सबके दरवाजे शहर के में खुले हैं, सब लोग यहाँ आते मेहनत मजदूरी करने और अपनी अदबी खिदमत भी अंजाम देने। मेहनत पर ये कहा जाता है कि इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। बिल्कुल। इस शहर में भी ऐसी कोई रह गुजर खुले, इस शहर में भी ऐसी कोई रह गुजर खुले, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत का दर खुले। वाह वाह। होगी ना अपनी भी गलत फहमियां कभी, होगी ना। दरवाजा अपनी सोच का बाहर अगर खुले, इस शहर में भी ऐसी कोई रह गुजर।
नजर खुले, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत का दर खुले, होंगी ना अपने बीच गलत फहमियां कभी, दरवाजा अपनी सोच का बाहर अगर खुले। और एक दो शेर के बाद तरन्नुम में, क्योंकि आखिरी शायरा हूं तो काफी जब्त का मुजाहरा मैंने भी किया, तो मुझे भी आप लोग सब्र तामुल और बर्दाश्त से सुने। मुब्तिला उसकी तमन्ना में हमेशा दिल रहा, मुब्तिला मौजम साहब मेरे हस्बैंड को पहचानते हैं, डॉक्टर खुर्शीद आलम है ना, तो उनके लिए मुब्तिला उनकी तमन्ना में हमेशा दिल रहा, आरजुओं से मेरी जो आदमी गाफिल रहा, और तो कुछ भी ना वैसे जिक्र के काबिल रहा, एक तुम्हारा तस्किरा ही रौनक महफिल रहा, एक तुम्हारा तस्किरा ही रौनक महफिल रहा, तुम मुबारकबाद के तन्हा नहीं हूँ मुस्तहिक, तुम मुबारकबाद के तन्हा नहीं हो मुस्तहिक, कामयाबी में हमारा साथ भी शामिल रहा, और ये शेर खास शायरात के लिए, और जो मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन को तो मतलब उनका हमेशा इस्तकबाली है, लेकिन छोटी बहनों का भी है, ये शेर उनके नाम है कि हवा तूफान में तब्दील होना चाहती है, हवा तूफान में तब्दील होना चाहती है, कि अब ये फाख्ता भी चील होना चाहती है, हवा तूफान में तब्दील होना चाहती है, कि अब ये फाख्ता भी चील होना चाहती है, कोई सहरा की जानिब फिर रवाना हो गया है, किसी के इश्क की तकमील होना चाहती है, दिखाना चाहती है रास्ता मंजिल का तुमको, हमारी याद संगे मील होना चाहती है, हमारी याद संगे मील होना चाहती है, हमारे सर पे सूरज आ चुका है जिंदगी का, हमारे उम्र की तातील होना चाहती है, हमारी उम्र की तातील होना चाहती है। और ये गजल के कुछ अशार के जरा सा मुस्कुराना चाहिए था, गमों को मुंह चिढ़ाना चाहिए था, गमों को मुंह चिढ़ाना चाहिए था, जरा सा मुस्कुराना चाहिए था, अगर दिल में नहीं थी बदगुमानी नजर हमसे मिलाना चाहिए था, अगर दिल में नहीं थी बदगुमानी नजर हमसे मिलाना चाहिए था, खड़े हैं हम जमाने के मुकाबले हमें तो टूट जाना चाहिए, खड़े हैं हम जमाने के मुकाबले हमें तो टूट जाना चाहिए था, शिकारी को परिंदे चाहिए थे, शिकारी को परिंदे चाहिए थे, परिंदों को तो दाना चाहिए था, शिकारी को परिंदे चाहिए थे, परिंदों को तो दाना चाहिए था, मैं उससे दूर तो हो जाऊं लेकिन, मैं उससे दूर तो हो जाऊं लेकिन, कोई हीला बहाना चाहिए था, कोई हीला बहाना चाहिए था, वफा का नाम तुम भी भूल जाते, वफा का नाम तुम भी भूल जाते, किसी दिन चोट खाना चाहिए था, किसी दिन चोट खाना चाहिए था। और गजल का मक्ता के सबीहा मुझको उससे ही गरज थी, सबीहा मुझको उससे ही गरज थी, उसे सारा जमाना चाहिए, पहुंच गए होंगे ना गांव वाले वहां जहां से मैंने बात शुरू की थी। जावेद आफरीदी साहब ये शेर आपकी चलिए। अब एक गजल जो मैं नहीं चाहती थी यहाँ पढ़ूं, लेकिन बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं और इस तरह की गजल का इस्तकबाल हुआ भी यहाँ पर, आजम खान लड्डन साहब की फरमाइश भी है और मुन्नू सेठ की भी यहाँ फरमाइश है कि कुछ गजलें और पढ़े, यहाँ बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, दिल में मचा देते हो हल, दिल में मचा देते हो हलचल तुम भी ना, मुझको बना देते हो पागल तुम भी ना, मुझको बना देते हो पागल तुम भी ना, फैसला कोई जब भी लेना होता है, फैसला कोई जब भी लेना होता है, कर देते हो मुझको अव्वल तुम भी ना, कर देते हो मुझको अव्वल तुम भी ना,
देख के मुझ में एक जरा सी बेचैनी, देख के मुझ में एक जरा सी बेचैनी, खुद भी हो जाते हो बेकल तुम ही ना। देख के मुझ में एक जरा सी बेचैनी, तुम भी हो जाते हो बेकल तुम ही ना। और लम्स तुम्हारा तन मेरा महकाता है, लम्स तुम्हारा तन मेरा महकाता है, मैं तो सरापा हो गई संदल तुम ही ना, मैं तो सरापा हो गई संदल तुम ही ना। और ये शेर के दिन गर्मी के हो तो कोई बात नहीं, दिन गर्मी के हो तो कोई बात नहीं, इतने खामोशी से सुन रहे अपनी भाभी को। दिन गर्मी के हो, देखो सारे शेर तुम्हारे भाई के लिए बोल रही हूँ, हमारे भाई के गलत फहमी मत रहना। दिन गर्मी के हो तो कोई बात नहीं, इतनी सर्दी और ये मलमल तुम ही ना। और गजल का मकता के देखती रह जाती है सबीहा की आंखें, देखती रह जाती है सबीहा की आंखें, और चुरा लेते हो काजल तुम भी ना, और चुरा लेते हो काजल तुम भी ना। अच्छा ठीक है, तरन्नुम में ओके क्या रखेंगे तेरा हम भरम जिंदगी, क्या रखेंगे तेरा हम भरम जिंदगी, काम कितने हैं और कितनी कम जिंदगी, काम कितने हैं और कितनी कम जिंदगी, क्या रखेंगे तेरा हम भरम जिंदगी, हम तकाजे तेरे पूरे करना सके, हम तकाजे तेरे पूरे करना सके, अब तो हमको यही है गम जिंदगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या रखेंगे तेरा हम भरम जिंदगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दो शेर के, रोज बनते रहते हैं आदमी के मनसूबे, रोज बनते रहते हैं आदमी के मनसूबे, फिर भी नामुकम्मल है जिंदगी के मनसूबे, फिर भी नामुकम्मल है जिंदगी के मनसूबे, रोज बनते ऐद फाइलों में है बंद है दराजों में, ऐद फाइलों में है बंद है दराजों में, तीरगी में रखे हैं रोशनी के मनसूबे, तीरगी में रखे हैं रोशनी के मनसूबे, रोज बनते रहते हैं। और ये गजल जो मेरी हर जगह पसंद की जाती है, उसके कुछ अशआर मैं चाहती हूँ आप लोगों को सुनाऊं। दिलों पर मैल जमता जा रहा है, दिलों पर मैल जमता जा रहा है, दिलों पर मैल जमता जा रहा है, मगर आई न पूछा वाह 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 वाह, मगर आई न पोछा। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया, बहुत 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 इस पहर में आप लोगों ने मेरे शेर का इतना इस्तकबाल किया। सभिया जी बहुत दिलों पर मैं जमता जा रहा है, भरोसा है मुझे तेरी वफा पर, भरोसा है मुझे तेरी वफा पर, मगर दिल है के बैठा जिंदाबाद के बैठा जा, भरोसा है मुझे तेरी वफा पर, मगर दिल है के बैठा जा रहा है, दिलों पर मैल जमता जा पर। इतने अच्छे से जमा है हिंदू मुस्लिम एकता की तरह, ये स्टेज पर सब प्रेजेंट हो रही है, पेश हो रही है। अब मेरी बहनें भी हिंदी के मंच से आई हैं, तो मैं एक शेर उनके लिए कहना चाहूंगी कि हालात कैसे भी हो जाएं हम इसी तरह रहेंगे इंशाल्लाह। सियासत होशियारी कर रही है, हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है, हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है। सियासत कर रही है, हमें टुकड़ों में बांटा तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए, सदारत का हक अदा हो रहा है आज। कहानी कुछ से कुछ होने लगी है, कहानी कुछ से कुछ होने लगी है, इसे तोड़ा मरोड़ा क्या कहने अच्छे से समझ गए होंगे इंशाल्लाह। कहानी कुछ से कुछ होने लगी है, हमारी तारीख के औराक को मरोड़ा जा रहा है, उसको उल्टा सीधा किया जा रहा है। सियासत वहां से लाओ, सियासत होशियारी कर रही है, हमें टुकड़ों में बांटा। क्या कहना है वाह, हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है, कहानी कुछ से कुछ होने लगी है, इसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, इसे तोड़ा मरोड़ा जा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी अजमतों को सलाम करती हूँ। और गजल का अगला शेर, दिलों पर मैल जमता जा रहा है। मेरी बेटी 26 साल की हो गई है, डेंटिस्ट है, उससे बड़ा वाला लड़का एमडी कर रहा है, मेरा छोटा लड़का सामने बैठा है, वो भी डॉक्टरी कर रहा है, उसके आखिरी साल में है, लड़की फाइनल हो गई, प्रैक्टिस भी कर रही है। और जो मैं ये शेर मेरी बेटी के लिए कह रही हूँ, वो आप सबके दिलों की तर्जुमानी है। मेरे साथ जुड़िएगा और मेरे शेर का इस्तकबाल कीजिएगा। दिलों पर मैल जमता जा रहा है, मगर आई ना पोछा जा रहा है, मेरी बेटी को रुखसत कर रही हूँ, रुखसत कर रही हूँ।
एक ये शेर जो कि मोहब्बत साहिबा कह रही थी, फतमला किरण साहिबा, कि मोहब्बत करने वाले आजकल बड़ा इंतकाम ले रहे हैं, बड़ा दर्दनाक इंतकाम ले रहे हैं। यूट्यूब पे, न्यूज पे कैसा कैसा बताया जा रहा है, कैसी कैसी खबरें दी जा रही है। लेकिन ये सिलसिला तो बहुत पुराना है, ये तो शादी से पहले के सिलसिले हमारे सामने आ रहे हैं। शादी के बाद का मंजरनामा कुछ यूं है, दिलों पर मैल जमता जा। एक सच्चा शेर, आप पहुंच जाएंगे, समझ जाएंगे। सभी चीख धुएं में शामिल, सभी चीख धुएं में है शामिल, किसे जिंदा जलाया जा रहा है, किसे जिंदा जलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।